देश की आर्म फोर्स में भर्ती के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमनी पथ स्कीम का ऐलान किया। युवाओं को सेना से जोड़ने और आर्म फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए इस स्कीम को लाया गया है। लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे ज्यादा विरोध यूपी और बिहार में हो रहा है। इससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे सेना भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा। रिटायर्ड डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना के बारे में कहा है कि एक नई योजना है और इससे पहले कभी कोई ऐसा ट्राई नहीं किया गया है और न ही कोई पायलट प्रोजेक्ट किया गया है। हमारी फौज बड़ी इफेक्टिव है और पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करते हैं। अब चाहे कारगिल हो या फिर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट हो या चीन के साथ कोई तनाव, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो एक सैनिक ही है। रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वही है लेकिन अब सेवा की शर्तों को बदला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले एक फौजी 2 से 3 साल की तैयारी के साथ रिक्रूटमेंट लेकर आता था और सोचता था कि मैं जिंदगी भर यहाँ रहूँगा, लड़ूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो 2 से 3 साल तैयारी करके सिर्फ 4 साल के लिए क्यों आएगा जहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है, बल्कि वो दूसरी सरकारी नौकरियों में जाएगा। ऐसे में हमें बेहतर जवान नहीं मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही ये कह रही हो कि विभिन्न मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों की प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा तब वे क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से 10-15 साल बाद देखेंगे सेना में आधे से ज़्यादा अग्निवीर हो जाएंगे। 2030 में तब क्या होगा? हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे सोल्जर है, हम उसी को बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अग्निवीर रिटायर होकर घर जाएगा तो हो सकता है उसे वो इज्जत ना मिले, गांव के लोग कहेंगे इसे रिजेक्ट कर दिया गया, नई नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सब सामाजिक समस्या खड़ी करेंगी। हम सोच रहे हैं फौज में जाकर वैल्यू सीखेगा, लेकिन यह उल्टा भी पड़ सकता है। अगर 10-15% उल्टे पड़ गए तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। बीएसएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी संजीव कृष्णा ने इस योजना के बारे में कहा कि अग्निवीरों को ट्रेंड करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उनकी सर्विस का जब तक समय आएगा तब तक उनकी रिटायरमेंट का समय पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी योजना है उसमें फोर्स की कॉम्बैट फिटनेस को देखना चाहिए, ना कि इकोनॉमी। लड़ने की क्षमता या कॉम्बैट फिटनेस के लिए जरूरी है कि सेना को एक लंबा समय दिया जाए, लेकिन 4 साल के टूर ऑफ ड्यूटी में 6 महीने इनकी ट्रेनिंग होगी जो पहले 9 महीने की होती थी, इसलिए जब ये दूसरे जवानों के जैसे ट्रेन होंगे तब तक इनका निकलने का टाइम हो जाएगा। तीसरा पहलू यह है कि इन 4 साल के अंदर 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 3-4 महीने छुट्टी पर जाएंगे। ऐसे में जो उनकी सर्विस मिलेगी वो सिर्फ 3 साल की मिलेगी। अभी जो ड्यूटी है वो 17 साल की है और जो अनुभव 16-17 साल काम करने वाले जवानों के पास होता है वो इनके पास नहीं होगा। साथ ही इनको पता है कि 4 साल में इनको चले जाना है, ऐसे में इनमें कमिटमेंट की कमी होगी। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने भी इस योजना में कई कमियां बताई। उन्होंने कहा कि इसकी कमियां का असर सेनाओं की कमबैक कैपेबिलिटी पर पड़ेगा। मुझे लगता है 4 साल की जगह अगर ये ड्यूटी 10 से 12 साल की होगी तो इन अग्निवीरों को ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा और जब ये रिटायर होंगे तब इनके अंदर गुणवत्ता और स्किल भी ज़्यादा होगी, इससे बाहरी दुनिया में इन्हें अच्छा सा काम मिल सकेगा। 4 साल बाद एक युवा को जब तक फोर्स में ट्रेनिंग और तकनीकी ट्रेनिंग का कोर्स पूरा होगा तब तक उसकी रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। ऐसे में एयरफोर्स उसकी सुविधाएं कैसे ले पाएगी? लेकिन हाँ, जो 25% रिटर्न किए जाएंगे वो जरूर एयरफोर्स के लिए कारगर साबित होंगे।